अब यूपी पुलिस आजम खान की भैंस नहीं ढूंढती, अतीक को मारने का काम करती है। केशव प्रसाद मौर्य के बेटे का विवादित बयान। योगेश मौर्य ने नगरपालिका परिषद भरवारी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में यूपी पुलिस को लेकर विवादित बयान दिया। योगेश मौर्य ने यूपी के कारागार राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राही के अलावा डीएम सुजीत कुमार की मौजूदगी में कहा कि प्रदेश की पुलिस अब आजम खान की भैंस को खोजने का काम नहीं करती, अब यूपी पुलिस अतीक अहमद को मारने का काम करती है। इसके लिए डीएम को धन्यवाद। जी सर, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, विपक्षियों को होश में देख लीजिए। कौशाम्बी में कमल खिलने जा रहे हैं और जिन विपक्षियों ने जनता को भड़का करके कौशाम्बी के विकास की गति को रोका है, उनके एक भी प्रतिनिधि अपने नेता को चुनाव में प्रचार करने के लिए तक नहीं आए, चाहे वो सिराथू विधायक हो चाहे आपके इधर छायल के हों, उनकी हिम्मत नहीं है, कौशाम्बी की जनता का सामना नहीं कर पा रहे, ये हालत हो गई है। अच्छा, मन से अभी आपने किसका कहा कि यूपी की पुलिस जो है अतीक को मारने काम करती है? पहले आजम की भैंस ढूंढती थी, अब पुलिस जो है तो सत्य है, आजम खान की भैंस ढूंढने वाली पुलिस जो है अब तो गुंडों का सफाया कर रही है। अभी समाजवादी की सरकार होती तो क्या आपको लगता है कि उमेश पाल हत्याकांड का बदला ले पाती पुलिस? क्योंकि तीनों आरोपी जो है वो पुलिस के नहीं थे जो मारे गए। कौन पुलिस के नहीं थे? जो तीनों आरोपी है उसकी जांच चल रही है, सामने आएगा, लेकिन इससे जनता को बहुत सुकून मिला है। माफिया राज उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और जनता ने इसी भरोसे पे हमारे कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दिया है और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमेशा रहेगा। कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पे हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे और कौशाम्बी की जनता की सेवा करेंगे, चाहे जितने विधायक आते हैं सपा के, चाहे कोई भी नेता आ जाए, कौशाम्बी की जनता को बरगला नहीं सकते। 2024 अतीक का फैक्टर काम करेगा इसका मतलब? बिल्कुल काम करेगा, जनता का देख लीजिए, ये तो अंगड़ाई, अभी तो 2024 बहुत बड़ी लड़ाई है, देखते रहिए। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य इससे पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं। योगेश मौर्य ने पिछले साल सपा के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाने के बाद चर्चा में आ गए थे, हालांकि उन्होंने बाद में मुकदमे को वापस ले लिया था। योगेश मौर्य ने कहा था कि आरोपियों में कई गरीब लोग और छात्र युवा शामिल थे, ऐसे में उनके भविष्य को खराब करना सही नहीं है, इसलिए शिकायत वापस लेने का फैसला लिया। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।